Hello students, this is Shobhik Sen from Affinity Education and we're back with another video. और आज का हमारा focus होगा केरला के NEET UG counseling schedule पर. But आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ point out करना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में NEET UG counseling को लेके कुछ doubts हैं. आप news और बाकी जगहों पे देखते होंगे कि कहीं पे counseling की dates शुरू हो गई है और कहीं पे dates का कुछ अता पता ही नहीं है. तो वो मैं पहले clear कर देता हूँ आपसे. Every government college in India reserves 15% of its seats for central counseling. In 15% seats की जो counseling है वो medical counseling committee जैसी authorities लेती है, और बाकी जो 85% of the seats है वो college जिस state में है उन seats की counseling वो state की authorities लेती है. तो आज का हमारा जो focus होगा वो होगा केरला, जिन्होंने 85% state quota seats जो है अपने government medical colleges की उस पर NEET counseling शुरू कर दी है. तो 14th दिसंबर को जो केरला की स्टेट अथॉरिटी है, द कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उन्होंने मेरिट लिस्ट, रैंक लिस्ट निकाली है, जिसमें से 42,059 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, यानी क्वालिफाई हो गए हैं. उसमें से 10,337 कैंडिडेट्स मेल हैं, यानी कि लड़के हैं, और ऑलमोस्ट ट्रिपल 31,722 कैंडिडेट्स फीमेल है, यानी लड़कियाँ हैं, विच इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट एक्चुअली. लेकिन द नंबर ऑफ सीट्स अप फॉर ग्रैब्स इन केरला आर ओनली 4,105. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा है, इस पर हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे. बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स अपना जो रैंक या मेरिट लिस्ट है वो इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, cee.kerala.gov.in. एंड अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं. तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उनको पहले तो इस वेबसाइट पे, यानी सीईई के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, और वहाँ पे वो लोग अपना कोर्स या फिर अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं. आप एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन के भी सिलेक्ट कर सकते हैं. क्या होता है कि प्रायोरिटीज़ होती है कि ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को पर्टिकुलर ये कॉलेजेस मिलेंगे और कुछ कॉलेजेस कम रैंक वाले बच्चों को मिलेंगे. तो अगर आपकी प्रेफरेंस आपके रैंक के साथ मैच करती है तो आपको वो कॉलेज ज़रूर मिलेगा, नहीं तो आपको कोई ना कोई और कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा आपके रैंक के हिसाब से. सो वंस द अलॉटमेंट इज़ डन, आपको अपनी सीट्स फ्रीज करनी पड़ेगी. फ्रीज करने के बाद ही आपका ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा. इसमें आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, और इसके एंड में आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा. ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको कॉलेज ले जाना पड़ेगा, एंड सीईई का वेबसाइट ही एक पर्टिकुलर डेट और टाइम दे देगा जब आपको वहाँ रिपोर्ट करना है अपने कॉलेज में. इस प्रोविजनल एडमिशन लेटर के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे. ऑल ऑफ देम आर द आधार कार्ड, जो कि आपका आईडी प्रूफ का काम करेगा, SSLC यानी क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ केरला. ये वाला सर्टिफिकेट बेसिकली ये प्रूफ करता है कि आप इसी स्टेट के हैं और आपने यहीं से नीट दिया था. अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, और अगर आप PWD कैंडिडेट है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना पड़ेगा जो कि प्रूफ करता है कि हाँ आपकी डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा है. एक और कैटेगरी है द SC BC या फिर द OEC कैंडिडेट्स, उनको अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द अबव एंड द प्रोविजनल एडमिशन लेटर. एंड जो कॉलेजेस हैं केरला में जो कि नीट काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनकी सीट्स आर अप फॉर ग्रैब्स, उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी. डू गो थ्रू दोज कॉलेजेस, अपनी प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट कीजिए, और आशा है कि आपको अपना कॉलेज ज़रूर मिलेगा. तो ये थी केरला के नीट एडमिशन प्रोसेस की, नीट काउंसलिंग प्रोसेस की अपडेट्स. अगर इसी स्टेट के रिगार्डिंग या बाकी स्टेट्स के काउंसलिंग के रिगार्डिंग या एजुकेशन न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट चाहिए, यू कैन फॉलो एफिनिटी एजुकेशन. इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और एफिनिटी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल फ्यूचर.
Thank you.